आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा नमस्कार। मंच पर मौजूद सब गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। खासतौर से गुरु जी आपको मेरा प्रणाम। आप जो ये बड़ा काम कर रहे हैं जो लोगों की समझ के बाहर है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी तरक्की, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दे ताकि सालों साल आप ऐसा काम करते रहें। ये सभा जिन दिनों में होती है उन्हीं दिनों में हमारा भी एक जो बड़ा फंक्शन होता है जिसको हम क्रिसमस कहते हैं वो भी इन्हीं दिनों में होता है। सो प्रभु यीशु मसीह जमीन पे क्यों आए, आज मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम धर्म की बात करना शुरू करते हैं तो फिर वो बंट जाता है, इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि वो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, सिख हो जाता है, ईसाई हो जाता है, वो इंसान बना नहीं रहता। और इसी वजह से ये नफरतें, ये दूरियां, ये सब कुछ इसी वजह से, क्योंकि इंसान इंसान नहीं रह गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन गया। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोक रोक के चलान कर रही थी। अगर कोई चलान होता है तो उसका जुर्माना जरूरी है। बिना जुर्माना भरे आप अपने उस वाहन को आराम से चला नहीं सकते जिसका चलान हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हमने भी परमेश्वर के खिलाफ कानून तोड़े हैं, रोज तोड़ते हैं। हमारे खिलाफ भी चलान परमेश्वर के सामने मौजूद है। बिना दाम चुकाए आप वहां से आजाद नहीं हो पाए। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमारा मन तो बहुत अच्छा है। एक रोज मैं भी ऐसा खड़ा था, पुलिस वाले कागज चेक कर रहे थे, तो एक भाई आया जल्दी से कि मुझे थोड़ा जल्दी है, मेरे पास तमाम कागजात मौजूद हैं, मुझे जाने दें, मेरे पास सब कुछ है। एएसआई साहब बड़े आराम से उसकी तरफ मुड़े और मुड़ के उसको कहते हैं कि तू बाइक पे है ना, वो बोलता हाँ जी मैं बाइक पे हूं। तो एएसआई साहब ने बोला मैं तेरा 72 चीजों के लिए चलान कर सकता हूं, जिसमें से एक चीज ये है कि तू स्लीपर पहन के बाइक नहीं चला सकता। मुझे भी पहली बार पता चला, शायद उसको भी पहली बार पता चला होगा। तो वो खामोश हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरा चालान हो सकता है। कभी कभी हम भी इसी वहम में जी रहे होते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा मन साफ है, मैं परमेश्वर के सामने सही हूं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि स्लीपर पहन के चलाने से चालान कट जाता है। जाने में अनजाने में सुबह से शाम तक हम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसके सामने है, दंडनीय है, जो पाप है। और बाइबल हमें बताती है कि हर एक पाप का जो दंड है वो मौत है। मौत का मतलब मर जाना नहीं है, मौत का मतलब है अलग होना। अक्सर झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। मरता वहां कोई नहीं, ये अलग हो जाते हैं, अलग होना ही मौत है। तो पाप का दंड मृत्यु है, मतलब कि वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। उसका दाम चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आया। वो जो चलान हमारे खिलाफ कटे हुए हैं, जमीन पे रह के अगर हम अपने कर्मों से उसको निपटाना चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परमेश्वर भले या बुरे काम स्वीकार ही नहीं करता। तो वो दाम खुद परमेश्वर का खून है, ये ऋग्वेद हमें बताता है। दैत्यारण्य का उपनिषद का तीसरा श्लोक कहता है कि खून बहाए बगैर पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो खून खुद परमेश्वर का होना चाहिए। और जब तक वो दाम चुकाया ना जाए, जब तक वो कीमत अदा ना की जाए, तब तक कोई अपने गुनाह से आजाद नहीं हो सकता। और इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आए, और उन्होंने आके सारी मानव जाति के लिए, यहां थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा,
किसी धर्म के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, एक क्या किसी भी धर्म के लिए यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाया, उसने इंसान के लिए अपना खून बहाया। जो कोई चाहता है कि मैं अपने दंड से आजाद हो जाऊं, अपने गुनाहों से छूट जाऊं, उस परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता को जमीन पे भेजा, उसके लहू बहाने से सारी मानव जाति अपने पाप के दंड से आजाद हो गए। मेरे जैसे बहुत से आए, बहुत से आते रहेंगे, जो मार्ग बताएंगे, ये मार्ग वो मार्ग, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। वो खुद परमेश्वर की तरफ से मार्ग बन के जमीन पे आया ताकि हम उसके द्वारा खरीदे जाएं और परमेश्वर की संतान बन जाएं। लेकिन हम लोग परमेश्वर को तलाशने की बजाय, क्योंकि अपन लोग थोड़ा सुस्त लोग हैं, हमें पकी पकाई चाहिए, परमेश्वर को तलाशना नहीं चाहते, बल्कि जो कुछ सामने आ जाए उसी को परमेश्वर मान के अपन आराम से पूजने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये आसान है ना हमारे लिए। हमें परमेश्वर की तलाश नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। जिस रोज आपको परमेश्वर की तलाश हो जाएगी, उस रोज वो आपको मिल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ जरूरत है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ये चढ़ा देंगे, वो उतार लेंगे, उधर जाएंगे, ये कर लेंगे, ऐसा बहुत कुछ। यानी जरूरत के लिए हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं, उसको याद करने के लिए याद नहीं कर रहे। जिस रोज आप परमेश्वर को तलाशेंगे, जिस रोज आपका रिश्ता उससे हो जाएगा, उस रोज सब कुछ हो जाएगा। और वो धर्म में नहीं आएगा, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, यहां आपको कहता हूं, उसके सामने ये प्रकट हो जाएगा कि किसी भी धर्म के लोग उसके सामने नहीं होंगे, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। उसके सामने सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पाप को स्वीकार कर, उस मुक्ति के दंड को, उस दाम को स्वीकार कर, उस परमेश्वर के पास आने के लिए अपने आप को चुन लिया। परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से मोहब्बत करें, उसके साथ एक रिश्ता बनाएं। वो बाप है, पूजने की चीज नहीं है, उसकी सुन के उसकी मानने के लिए हमें उसके पास आना है। परमेश्वर को हम सब मानते हैं, अब परमेश्वर की कौन कौन मानता है वो उसकी संतान है। परमेश्वर को मानना और परमेश्वर की मानना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जिस रोज आप परमेश्वर की मानने लगेंगे, उस रोज सब सही हो जाएगा। फिर आप धर्मों से और सब चीजों से निकल आएंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, फिर आप ये कह नहीं पाएंगे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या सिख हूं या ईसाई। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप लोग, मुझसे पूछा जाता है कि आप ईसाई हैं, तो मेरा जवाब होता है बनने की कोशिश कर रहा हूं भाई, अभी तो ढंग से इंसान भी नहीं बन पाया, बाकी बनना तो दूर की बात। जैसे जैसे आप उसको जानते जाएंगे, वैसा वैसा आप उसके जैसे होते जाएंगे। तो परमेश्वर का हम सब के लिए एक ही प्लान है, एक ही योजना है कि हम होते होते होते, बनते बनते बनते, बदलते 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 उसके जैसे बन जाए। सो आज मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने मुक्तिदाता को, अपने बेटे को जमीन पे भेजा, जिसने दाम चुका के अपना खून बहा के संसार के अंदर से पापियों को खरीद के परमेश्वर के संतान बनाया। जो कोई इस बात का विश्वास करता वो यूं उद्धार पा लेता है और परमेश्वर के संतान बनता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ब्रदर संजीव चौधरी ने कितने अच्छे तरीके से प्रचार किया, और ये एक प्रोग्राम है सर्वधर्म सभा, उसमें उन्होंने ये इनको मौका मिला बोलने का, और उन्होंने कितने अच्छी तरीके से समझाया सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बारे में। मैं सोचता हूँ आपको बहुत आशीष मिली होगी, और जो भी आपको आशीष मिली है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।